हम इस वक्त लखनऊ के लोहिया पार्क चौराहे के पास खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक ये चार पहिया वाहन है जिसमें आग लग गई थी। ये महिंद्रा का वाहन बताया जा रहा है, QV 300, जिसमें आग लग गई थी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसमें जो भी लोग बैठे हुए थे वो समय रहते बाहर निकल गए और फिर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरी तरीके से गाड़ी नष्ट हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम बहुत ही जल्दी यहाँ पहुंची और उन्होंने अपनी मेहनत से गाड़ी की आग को बुझाया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम आप देख सकते हैं कि अभी भी इस वक्त भी वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। गाड़ी की आग पूरी तरह बुझ चुकी है, लेकिन फिर भी वो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो काफी गर्म होते हैं, जिनके द्वारा कुछ और खतरा हो सकता है। इसके लिए वो अभी भी गाड़ी पर लगातार पानी का छिड़काव करते चले आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी पूरी मुस्तैदी दिखाई और जल्दी आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि लखनऊ में इस तरीके की कई घटनाएं हो चुकी है, गाड़ियों में आग लग जाती है, सड़क पर चलते चलते गाड़ियों में आग लगने की खबरें लगातार आ रही है। इनका सबसे बड़ा एक कारण, कंपनी के लोगों से जब हमने बात करी तो उनका कहना है कि जो अनऑथराइज मैकेनिक होते हैं, जब वो गाड़ी को बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी छूट जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, धूमी टीवी, लखनऊ।